वेलकम एवरी वन टू प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी लोअर रिजनल क्लर्क एल डी सी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ है ट्वेंटी सिक्स फेबरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू को इसमें हम लोग जो है वो बुकलेट ए सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इसमें टोटल वन फिफ्टी क्वेश्चन है तो हम टोटल जो वन फिफ्टी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को जैसे वन को ए टू को बी थ्री को सी ऐसे करके अगर हम कोडिंग करते हैं तो फ्लार का जो कोड है वो क्या होगा अब देख सकते हैं अगर हम पूरे अल्फाबेट्स को ए टू जेड वन टू ट्वेंटी सिक्स लिख लेते हैं तो फ्लार का कोड है सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री फाइव और एटीन तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो एनिमल्स वॉक करते हैं उनको अगर हम स्विमर कहते हैं जो क्रॉल करते हैं अगर उनको हम फ्लाइंग कहते हैं और सिमिलरली जो पानी में रहते हैं उनको स्नेक कहते हैं और जो स्काई में उड़ते हैं उनको हंटर कहते हैं तो लिजर्ड को क्या कहेंगे तो लिजर्ड जो है वो क्रॉल करता है तो वो फ्लाइंग की कैटेगरी में आएगा तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें मिसिंग जो नंबर है उसको खोजना है इस सीरीज में तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें जो है पहले वन का स्क्वेयर है फिर टू का स्क्वेयर है सिमिलरली थ्री का स्क्वेयर फोर का स्क्वेयर और जो सेकेंड नंबर है वो क्यूब है वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब और फोर का क्यूब तो ट्वेंटी सेवन जो है वो मिसिंग नंबर है तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है तो थ्री का करेक्ट आंसर जो है वो सी है अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं इसमें हमें बताना है कि सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है तो अगर आप इस सीरीज में देखें तो पहला है वन उसके बाद थ्री जो है वो वन इंटू टू प्लस वन थ्री है सिमिलरली थ्री इंटू टू प्लस टू जो है वो फिर एट है ऐसे ही एट इंटू टू प्लस थ्री नाइनटीन है नाइनटीन इंटू टू प्लस फोर करेंगे तो फोर्टी टू आएगा तो इसी में अगर हम फोर्टी टू इंटू टू प्लस फाइव करेंगे तो आंसर एटी नाइन आना चाहिए जबकि यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे जो नंबर है वो एटी एट है तो इसमें डी जो है वो हमारा आंसर है डी जो है वो एटी एट जो है वो इनकरेक्ट है हमें यहाँ पे एटी नाइन होना चाहिए था नेक्स्ट भी अगर आप करके देख लो तो एटी नाइन इन टू प्लस सिक्स करेंगे तो वन एटी फोर आता है तो डी जो है वो आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसमें हमें मिसिंग जो नंबर है सीरीज में वो बताना है क्यू एन के तो इसमें जो है माइनस थ्री हो रहे हैं सारे डिजिट Q के बाद N, N के बाद K, तो K के बाद H आएगा H के बाद E आएगा तो H जो है इसमें मिसिंग टर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें हमें फिर से मिसिंग टर्म बताना है F L P I N S L P V तो इसमें जो है वो प्लस थ्री हो रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन में माइनस थ्री था इसमें प्लस थ्री है तो ऐसे ही एल पी वी में अगर हम अगर आप एल में थ्री प्लस करेंगे तो ओ सिमिलरली पी में करेंगे तो एस और वी में करेंगे तो वाई तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ओ एस वाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन ट्राइंगल्स दी गई हैं और हमें इनका अर्थमेटिक जो रिलेशन है उसके थ्रू इनकी वैल्यूज बतानी है तो अगर आप पहली ट्रायंगल में देखेंगे तो फाइव इंटू फोर प्लस सिक्स जो है वो ट्वेंटी सिक्स है फाइव को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स एड करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स बनेगा इसी तरह जो है एट को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन निकलेगा तो सिमिलरली सिक्स इंटू थ्री एटीन एटीन में अगर फोर एड करते हैं तो आंसर आएगा ट्वेंटी टू तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और हमें जो है मिसिंग करेक्टर जो है उसको इसमें फाइंड आउट करना है स्क्रीन पे जो है इसका सोल्यूशन देख सकते हैं में जो मैट्रिक्स में जो सोलूशन है उसका करेक्ट आंसर जो है वो थ्री आएगा तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है एट का करेक्ट आंसर जो है वो है बी नेक्स्ट कोडिंग का क्वेश्चन है हमें कोड लैंग्वेज में जो कुमार है उसको एल वी एन बी एस लिखा है तो हमें इमोशनल का कोड बताना है तो इसमें जो है वन वन डिजिट जो है वो एड किया गया है तो सिमिलरली अगर हम ई e में एड करते हैं तो ई का नेक्स्ट लेटर जो है वो एफ है देन एन देन पी यू जे पी ओ बी और एम तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा तो नाइन का करेक्ट आंसर है बी नेक्स्ट एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रैट को रैट की वैल्यू फोर्टी टू है कैट की फिफ्टी सेवन है तो हमें लेट की जो वैल्यू है वो बतानी है और आप स्क्रीन पे देखें अगर हम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को 26 से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे सिमिलरली Z को वन प्लेस करते हैं तो रेड का वैल्यू जो है R की जो पोजीशन है वो नाइन है A की जो है वो ट्वेंटी सिक्स है और T की जो है सेवन है तो वैल्यू फोर्टी टू है ऐसे ही कैट की फिफ्टी सेवन है तो अगर हम लेट की देखेंगे तो फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स सेवन और ट्वेंटी टू है तो आंसर आएगा सेवेंटी तो B जो है वो करेक्ट आंसर है का जो करेक्ट आंसर है वो है बी सेवेंटी नेक्स्ट हमें जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को जो है वो सीक्वेंस में लगाना है तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा वो बी है सबसे पहले प्रीच आएगा फिर प्रोसीड फिर प्रसेप्ट फिर प्रिसाइज प्रिसीजन एंड प्रोल्यूड तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें हमें बताया गया है कि मनीषा का जो रैंक है वो टॉप से सिक्सटी नंबर पे है और बॉटम से जो है वो ट्वेंटी नाइन्थ है और इसमें सिक्स स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम नहीं दिया और पांच बच्चे इसमें फेल कर गए हैं तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं क्वेश्चन के हिसाब से मनीषा जो है टॉप से सिक्सटीन है और बॉटम पे ट्वेंटी नाइन्थ पे है तो उसका तो नंबर आ जाएगा फोर्टी फोर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने होंगे जितने अभी हमने जो 44 कैलकुलेट किया उसमें सिक्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया फाइव जो फेल हुए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55 होंगे तो 12 का आंसर है डी 12 का आंसर है डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में 9 टू 59 जो जो 9 टू 59 के बीच जो नंबर थ्री से डिवाइड हो सकते हैं उनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो टेंथ नंबर पे बॉटम से कौन सा नंबर आएगा अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नाइन टू फिफ्टी नाइन में से वो नंबर जो दोनों नंबर डिविजिबल हो थ्री से तो वो नंबर लिखते हैं तो फिफ्टी सेवन फिफ्टी फोर फिफ्टी वन टाइन इतने वो पकड़ते हैं तो वो थर्टी सिक्स करेक्ट आंसर होगा थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें बताया गया है कि अगर एक्स का मीनिंग प्लस है माइनस का जो है वो मल्टीप्लाई है डिवाइड का प्लस है और प्लस का माइनस है तो सिमिलरली हमें थ्री माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय नाइनटीन इंटू एट बाई वैल्यू बताना है तो अगर हम इस कोडिंग के अकॉर्डिंग इस इस वैल्यू को फिगर को लिखते हैं तो वो है थ्री इंटू फिफ्टीन प्लस नाइनटीन डिवाइडेड बाय एट माइनस सिक्स तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा टू तो सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा टू नेक्स्ट इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अनमेरिड फीमेल्स कितनी है तो टोटल सेवेंटी क्लर्क हैं जिसमें कि थर्टी जो है वो फीमेल्स हैं तो हमें इसमें बताना है कि उसमें अनमेरिड फीमेल्स कितनी हैं आप देख सकते हैं थर्टी जो 30, इसमें बताया गया कि एक इंफॉर्मेशन में कि थर्टी क्लर्क मैरिड है तो अगर थर्टीन मैरिड है तो उसमें फिफ्टीन मेल्स है तो 15 कितनी हुई फीमेल्स तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हमें 30 दी गई हैं तो 15 अगर मैरिड हैं तो अनमैरिड कितनी हुई 15 तो 15 का डी जो है वो बी जो है वो आंसर है 15 नेक्स्ट हमें बताया गया है कि इन द ओलंपिक्स गेम फ्लैग ऑफ सिक्स नेशंस वर होस्टेड तो इसमें हमें पोजिशन बताई गई है कि वो फ्लैग्स किस तरह से अरेंज थे फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज टू द लेफ्ट ऑफ इंडियन ट्राई कलर टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडियन फ्लैग बट टू लेपान लेफ्ट ऑफ फ्लैग ऑफ चाइना तो अगर मैं इस अरेजमेंट को आपको बताऊं तो इस ये अरेंजमेंट ऐसे फॉर्म होता है सबसे पहले जो है इसमें फ्रांस आएगा उसके बाद अमेरिका आएगा उसके बाद इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया फिर जापान और एंड में जो है वो चाइना आएगा तो सेंटर में कौन से दो नेशंस पड़ेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डी जो है इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पी क्यू आर एस जो है फोर पर्सन है जो कि एक रो में बैठे हैं लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि आर और एस जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे और क्यू जो है वो दूसरे नंबर की पोजीशन पे नहीं होगा तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है देखिए अगर हम पहले वाला अरेंजमेंट लेते हैं अगर हम पी को पहले अरेंजमेंट में दिए पहली स्टेटमेंट में दिया गया कि पी नंबर वन पे है अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे चारों केसेस में होता है तो क्यू क्यू की कंडीशन है कि क्यू थर्ड प्लेस पे नहीं होना चाहिए तो फिर आर एस जो है वो एक साथ हो जाते हैं तो आर एस जो है वो एक साथ कंडीशन अलाउड नहीं है तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए जो है वो इसमें इनकरेक्ट है ये रॉन्ग होगा तो ये आंसर है सेवनटीन का आंसर है ए सेवेंटीन का आंसर है ए पी जो है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता इस अरेजमेंट के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं सोनी इज डॉटर सेज टू प्रीति योर मदर श्यामा इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर एंड दुबेज फादर थर्ड चाइल्ड इज प्रभात तो हमें बताना है कि प्रभात और प्रीति जो है आपस में इनका क्या रिलेशन है अगर आप इस अरेजमेंट में देखें दुबे की जो सिस्टर है वो श्यामा है और सोनी जो है वो प्रीति को प्रभात के बारे में कहती है तो प्रभात जो दुबे के जो फादर हैं उनका तीसरा बच्चा है तो प्रीति का उनके साथ रिलेशनशिप होगा प्रीति के अंकल लगेंगे प्रभात तो ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है 18 का करेक्ट आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफी अर्चना सेट ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड तो उसके ग्रैंड का ओनली सन उसके फादर हुए और उनका जो ओनली सन होगा वो अर्चना का क्या लगेगा ब्रदर तो इसमें वो उसका भाई होगा तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अकाश टू मोहित दैट बॉय इन ब्लू शर्ट इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ तो इसमें जो डॉटर होगी फादर की वाइफ की वो उसकी बहन लगेगी हाउ इज द बॉय इन ब्लू शर्ट रिलेटेड टू आकाश तो उसको कहता है कि वो जो लड़की है उसके जो उसका जो छोटा भाई है तो ये दोनों ब्रदर्स हुए तो आकाश के लिए वो जो छोटा ब्रदर है वो उसका ब्रदर होगा तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है ट्वेंटी का नेक्स्ट विलेज चेमूर इज ट्वेंटी किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ विलेज रेवा विलेज रहते इज एटीन किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ विलेज रेवा और जो विलेज अंगे है वो ट्वेल्व किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ विलेज चमूर है तो अगर स, जो संजय है वो रहाते से शुरू करता है और अंजे जाता है तो वो किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें अंजे जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है रहाते गांव से अंजे जो है वो जो अंगे है वो रहाते से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है ट्वेंटी तो वन का करेक्ट आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कहा है कि जिस तरह आर जो है, वो के साथ है तो हमें टर्जरी का बताना है तो आर में क्या है सबसे पहले सेकेंड होता है फिर मिनट होता है फिर आर होता है इसी तरह सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है फिर सेकेंडरी सेक्टर होता है फिर टर्जरी होता है तो इसमें जो प्राइमरी है वो करेक्ट आंसर होगा तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जैसे स्पोर्ट्स का लोगो होता है इस तरह नेशन का क्या होता है तो स्पोर्ट्स का जैसे लोगो होता है नेशन का इसी तरह एम्बलम होता है तो इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर है एम्ब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें हमें एक सीक्वेंस दी गई है ए ई जेड ई आई वाई और हमें सिमिलर पैटर्न में जो है वो मिसिंग टर्म जो है उसको बताना है जो कि रिलेटेड है दूसरी टर्म से तो अगर आप इस टर्म में देखेंगे तो ए जेड ई आई एच आई ओ एक्स जो हमें गिवन है उसमें जो जेड ई आई वाई है सॉरी इसमें जो जेड वाई और एक्स है ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसके बाद कौन सा आएगा डब्ल्यू तो इसमें ऑप्शन कौन सी है डी तो 24 का करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट 25, इसमें हमें जो है वो रॉक्स दी गई हैं तो मार्बल स्लेट तो नाइस nice के साथ क्या आएगा नाइस nice के साथ जो है वो quartzite आएगा क्योंकि ये भी रॉक है जैसे मार्बल और स्लेट है ऐसे ही नाइस nice और क्वार है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें हमें मिसिंग वैल्यू बतानी है तो यह बहुत इजी क्वेश्चन था पहला जो है वो फिफ्टीन का स्क्वायर है नेक्स्ट जो है वो सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस वन है तो आएगा टू फिफ्टी सेवन नेक्स्ट फिर से सिमिलरली टू जो है वो सेवनटीन का स्क्वायर है तो नेक्स्ट जो फिगर होगी वो एटीन का स्क्वायर प्लस वन होगी तो थ्री ट्वेंटी फोर प्लस वन थ्री ट्वेंटी फाइव तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसमें हमें ऑड वन बताना है मिल्क केक सिरप टी स्क्वेश तो इसमें केक जो है वो ऑड वन है क्योंकि बाकी सब जो है वो ड्रिंकेबल आइटम्स हैं जिनको पिया जा सकता है लेकिन केक खाने वाली चीज है तो सी जो है वो ऑड वन आउट है नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दी गई है इस डायग्राम में जो ट्रैंगल है ट्रैंगल जो है वो डॉक्टर्स के लिए है सर्कल जो है वो प्लेयर्स के लिए है और रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट के लिए है तो हमें बताना है कि कितने आर्टिस्ट जो है वो प्लेयर भी हैं कितने आर्टिस्ट जो हैं वो प्लेयर भी हैं तो इसमें ट्वेंटी टू जो है वो आर्टिस्ट हैं तो है, है, और वो जो है वो प्लेयर भी हैं तो थ्री ट्वेंटी टू प्लस थ्री कितने होंगे ट्वेंटी फाइव तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है इसी पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट कितने जो डॉक्टर हैं वो आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर भी हैं तो इसमें जो है केवल एक नंबर आता है थ्री तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फ्लार का जो है वो बुके होता है सिमिलरली मिनिस्टर्स का क्या होता है तो फ्लार्स का जो ग्रुप है उस, उससे ही फ्लार से ही बुके बनता है और मिनिस्टर से ही जो कैबिनेट है वो फॉर्म होती है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है तो हम लोग थर्टी टू की जगह पहले थर्टी टू सॉल्व करते हैं इसमें भी हमें ऑड वन आउट बताना है तो येन, लीरा, डॉलर और आउंस है तो पहली तीन जो है वो करेंसीज है अलग अलग देश की मुद्रा है आउंस जो है वो यूनिट ऑफ वेट है तो डी जो है इसमें ऑड वन आउट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता थ्री रेशो एट सिक्स थर्टी फाइव सेवन फिफ्टी और वन रेशो जीरो आप इसको जो है देख सकते हैं थी स्केर माइनस वन ट बनता है ऐसे सिक्स स्केयर माइनस वन थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव वन स्केयर माइनस वन तो जीरो बट सेवन स्केयर प्लस वन जो है वो फिफ्टी बनता है तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है तो थर्टी टू का करेक्ट आंसर है सी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हमें फिर से एक डायग्राम दी गई है जिसमें जो ट्रायंगल है वो स्कूल के टीचर्स की है इसमें स्कूल टीचर्स हैं स्क्यर में जो है वो मैरिड पर्सन हैं इसमें सब मैरिड लोग हैं और सर्कल जो है उसमें जॉइंट फैमिली के लोग हैं तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो मैरिड पर्सन जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं लेकिन स्कूल टीचर नहीं है तो हमें वो बताने हैं तो इसमें सी जो है डी डी ऑप्शन जो है वो लोग मैरिड हैं और जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं लेकिन वो लोग ट्रायंगल में नहीं आते मतलब वो स्कूल टीचर्स नहीं है तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इसमें हमें बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वास हैं आप देख सकते हैं यहां कितनी क्वारिलेटर्स फॉर्म हो रही हैं तो नंबर ऑफ स्क्स टोटल कितने हैं हैं तो थर्टी फाइव का आंसर है नाइन थर्टी फाइव का आंसर जो है वो है नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हमें मिरर इमेज बतानी है इसमें से वर्बल की तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इसमें हमें बताना है कि इस फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी सीधी लाइंस हैं? फिर से स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें टोटल जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ए एल एफ के जी ए के ऐसे करके टोटल जो है वो फोर्टीन लाइंस हैं थर्टी सेवन का करेक्ट आंसर है बी थर्टी सेवन का करेक्ट आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल ऑफ एजेस दिया गया है अमर अकबर और का जो कि 80 इयर्स है है तो हमें टोटल बतानी है उनकी तीन साल पहले कितनी एज थी तो टोटल जो है हमें 80 दिया गया है तो 80 माइनस थ्री इंटू थ्री करेंगे तो आंसर आएगा 71 वन ईयर्स तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है थर्टी का अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पे बस टिकट्स फ्रॉम सिटी पी टू क्यू एंड थ्री बस टिकट फ्रॉम सिटी पी टू आर की कॉस्ट है रुपीज तो हमें बताना है कि कितना किराया है फॉर सिटीज क्यू एंड आर फ्रॉम पी इसका जो है आप सोल्यूशन देखें तो अगर हम इसमें और एक्स के बीच का जो फेयर है उसको एक्सपोज कर लेते हैं और एक्स और आर के बीच वाई सॉल्व कर लेते हैं तो एंड में हम लोग जो है वो सॉल्व करने पे कॉस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी रुपीज थर्टीन पी टू आर के बीच में 17 और पी टू क्यू के बीच में थर्टीन तो आंसर आएगा करेक्ट बी तो थर्टी नाइन का करेक्ट आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एक स्टूडेंट ने जितने आंसर करेक्ट किए हैं उससे डबल क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं तो अगर उसने टोटल फोर्टी एट हैं तो हमें बताना है कि उसने कितने सही किए हैं तो इसमें जो उसने सही किए हैं उसको हम लोग एक्सपोज कर लेते हैं और जो गलत किए हैं उसको टू एक्स जो है वो सपोज कर लेते हैं तो एक्स प्लस टू एक्स हमें दिया गया है फोर्टी एट है तो इसमें एक्स जो है वो कितना होगा सिक्सटीन तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन

रानी रीता सुखदा जैन और राधिका जो है फ्रेंड्स हैं तो हमें इनकी जो इसमें रीटा की एज एटीन ईयर्स है राधिका जो है वो यंगर है रीटा से रानी जो है वो राधिका और सुखदा की एज के बीच में है और रीता जो है वो जैन और राधिका के बीच में है और अगर उनकी एज का डिफरेंस टू इयर्स का है एल्डर टू यंगर का तो जो सुखदा है उसकी एज कितनी है हमें ये बताना है अब देखो अगर हम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिख हैं, तो इसमें अरेंजमेंट है जैन रीता राधिका रानी और सुखदा तो डिफरेंस टू इयर्स का है तो सुखदा की एज जो है वो ट्वेल्व इयर्स होगी तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है 42 का आंसर है बी इसमें 42 का आंसर है बी नेक्स्ट इस सीरीज में हमें जो है वो मिसिंग वैल्यू बतानी है तो इसमें ज, जैसे सेवनटीन है तो वो है फोर स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी सिक्स क्या है फाइव स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही सिक्स स्केयर प्लस वन सेवन का स्क्वायर एट का स्क्वायर तो अब यहाँ क्या आएगा नाइन का स्क्वायर तो नाइन का स्क्वायर प्लस वन कितना होगा एटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इसमें हमें जो है वो मिसिंग वैल्यू बतानी है थर्ड फिगर में तो इसमें फाइव इंटू सिक्स इंटू फोर जो है डिवाइड बाय टेन करेंगे फाइव इंटू सिक्स इंटू फोर अगर डिवाइड बाय टेन करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेल्व ऐसे ही सिक्स इंटू सेवन इंटू फाइव को अगर हम टेन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता ट्वेंटी तो अगर फोर इंटू एट इंटू टेन बाई टेन करेंगे तो आंसर आएगा थर्टी टू तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें हमें रिलेशनशिप बताना है मून अर्थ और यूनिवर्स के बीच में तो यूनिवर्स एक बड़ी एंटिटी है जिसमें हमारा अर्थ एक प्लेनेट है और मून उसका सैटेलाइट है तो ए जो है वो करेक्ट रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जैसे मैच विन से रिलेटेड है तो मैच की पॉजिटिव साइड बताइए जीतना इसी तरह एग्जामिनेशन में पॉजिटिव क्या होगा फेल होना तो नहीं होगा सक्सेस ही होगा सक्सेस के अपसूल से सक्सेस तो सी जो है फोर्टी सिक्स का है सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द फर्स्ट फाइव इवन नंबर बताना इवन नंबर ठीक है तो इवन नंबर फर्स्ट फाइव जो है वो कौन कौन से होंगे टू फोर सिक्स एट और टेन अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो क्या आएगा थर्टी टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन इंटू थ्री प्लस नाइन इक्कीस प्लस नौ कितने हुए तीस तो इसका टोटल भी तीस है तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं करता भागलपुर और बेगूसराय दोनों हैं फिर कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों ही वेजिटेबल्स हैं वीट और राइस दोनों ही जो है वो सीरियल हैं क्रॉप्स हैं तो लेकिन इसमें बी जो है वो मैच नहीं करता क्योंकि गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर तो एक स्टेट का नाम है और एक कैपिटल का नाम है तो बी जो है वो ऑड वन आउट है नेक्स्ट हमें फिर से मिसिंग सीक्वेंस बताना है मिसिंग वैल्यू बतानी है टू एट एटीन और थर्टी टू में तो इसमें टू इंटू वन का स्क्वायर टू फिर टू इंटू टू का स्क्वायर एट ऐसे ही टू इंटू थ्री का स्क्वायर है ऐसे ही टू इंटू फोर का स्क्वायर है जो थर्टी टू है तो ऐसे ही टू इंटू फाइव का स्क्वायर होगा और आंसर होगा फिफ्टी तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इफ ए प्लस डी इज ग्रेटर देन सी प्लस ई सी प्लस डी जो है वो टू बी है और बी प्लस ई जो है ग्रेटर देन सी प्लस डी है तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका देखते हैं सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन एंड टू जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए प्लस डी जो है वो ग्रेटर में करेक्ट आंसर है तो, है 50 है. तो 50 का करेक्ट आंसर है डी नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन फिफ्टी वन में सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है हमें बताना है कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है तो इसमें ओल्डेस्ट जो वेदा है वो रिग है नेक्स्ट इनमें से कौन सी इवेंट जो है वो लास्ट में हुई सबसे लास्ट में हुई तो सबसे पहले जो है वो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कॉरोनेशन आएगा नेक्स्ट उसके बाद उसमें जो है वो आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में नेक्स्ट अशोका का कॉरोनेशन होगा तो उसके बाद ही अशोका की क्लिंगा कॉन्वेस्ट हो, कॉन्क्वेस्ट होगा विदाउट ईयर्स भी अगर अगर हमको ईयर्स नहीं भी पता होते ना अगर हम हिस्ट्री के सीक्वेंस से ही देखते तो हमें पता चल जाता कि लास्ट इवेंट जो है वो वॉर ऑफ कलिंगा होगी तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था तो महात्मा गांधी का जो बर्थ है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इसमें हमें महात्मा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है चार प्लेसेस बताई दी गई ऑप्शन में हमें बताना है कि उन्होंने महापरिनिर्वाणा जो है वो कहाँ पे अटेन किया था तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो लुम्बनी में जो है उनका बर्थ हुआ उसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला शर्मन दिया बोध गया में उन्हें इनलाइटमेंट मिली और कुशीनगर में जो है उन्होंने महापरि जो है वो अटेंड किया तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सत्यशोधक समाजब्लिश किया था तो उसको जो है वो 1873 में 1873 में ज्योतिराय फुल्लो ने जो है वो स्टैब्लिश किया था नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सी इवेंट पहले हुई तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है Shah, जो है, उसका टाइम है 1739. अगर हम बैटल प्लासी की बात करें, तो सेवनटीन फिफ्टी सेवन उसके बाद इन सब में जो है वो ब्रिटिश इन्वॉल्व है लेकिन यहां पे जो है नादिर की इन्वेजन में नहीं है तो हमें पहले अगर हम पहले इवेंट की बात करें तो इन्वेजन ऑफ नादिर शाह होगा तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट 1942 में जयप्रकाश नारायण जो थे उनको किस किस जेल में जो है वो रखा गया था तो ये टाइम है इंडिया का का टाइम चल रहा है है 1942 का, तो उनको जो हजारीबाग की सेंट्रल जेल में रखा गया था तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट हमें प्लेसेस और सिटी को मैच करना है तो इसमें आनंद भवन जो है वो प्रयागराज में है अलाहाबाद में साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में है गेट वे ऑफ इंडिया सबको पता है मुंबई में और जिले वाला बाग अमृतसर में है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नेक्स्ट हमें बिल्डिंग और किसने उस बिल्डिंग को बिल्ड किया उसको मैच करना है तो अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी आगरा फोर्ट जो है अकबर इत्यादौला का जो टॉम है वो उनकी बेटी ने बनवाया नूरजहां ने और रेड फोर्ट जो है वो शाहजहां तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नेक्स्ट सिखों के जो टेंथ गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी उनका बर्थ कहां पे हुआ तो उनका जो बर्थ है वो दिसंबर 22 को 1666 में जो है वो पटना में हुआ तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इं, आ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में जो है वो लैंग्वेजेस हैं तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं एट्थ शेड्यूल में तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कब इलेक्ट किया गया तो इलेवेन दिसंबर दिसंबर ग्यारह नाइनटीन फोर्टी सिक्स को तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू तो एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो वो है एटी सिक्स अमेंडमेंट टू थाउजेंड टू में जिसमें कि आर्टिकल ट्वेंटी वन ए को जो है वो एड किया गया तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनमें से किस कौन कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने तो आंसर है ए फकरुद्दीन अली अहमद नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान जो है कब लॉन्च किया गया था तो वो दो अक्टूबर सेकेंड अक्टूबर को 2014 में जो है वो लॉन्च किया गया था तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कौन सी स्टेट ने सबसे पहले पंचायती राज को अडॉप्ट किया तो सबसे पहले जो है सेकेंड अक्टूबर फिर सेकेंड अक्टूबर ही है सेकेंड अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में जो है वो पंचायती राज को जो है इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद 1959 में जो है वो लेटर ऑन जो है फिर आंध्र प्रदेश में जो है वो किया गया तो सबसे पहले राजस्थान है नेक्स्ट जुलाई ट्वेंटी टू में जो है किसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स फॉर इंडिया मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो बनाया गया तो प्रहलाद जोशी तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट जुलाई 2021 में किसको गवर्नर अपॉइंट किया गया कर्नाटका का तो आंसर है डी थवारचंद गहलोत को इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सक्सेस कैप्सूल है उसने सिक्सटी सेवंथ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है इसमें टोटल इलेवन टेस्ट हैं और एक टेस्ट जो है वो फ्री है इसके लिए आपको हमारी जो है वो एप डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से और आप फ्री टेस्ट दे जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है तो आर्टिकल 76 के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रोविजन है और उनको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट एट प्रेजेंट कौन सा जो है फंडामेंटल राइट right नहीं है अब हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं है तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग तरीके से तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट थी 1978 की उसमें जो है इसको फंडामेंटल राइट right हटा दिया गया था और ये अब हमारा एक लीगल राइट right है आर्टिकल थ्री ए के अंदर लीगल है लेकिन फंडामेंटल नहीं है नेक्स्ट इनमें से कौन सी जो सिटी है वो यमुना रिवर के किनारे पे नहीं बसी हुई है तो डेली आगरा और मथुरा जो है सब यमुना के किनारे पे है लेकिन अयोध्या जो है वो सरयू नदी पे है तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट बिहार जो है 2011 के सेंसस में पॉपुलेशन में कितने नंबर पे आता है तो बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे है बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो वाटरफॉल है जो जल प्रभात है वो बिहार में नहीं है तो इसमें जो हुरू है वो रांची में है झारखंड में तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनमें से कौन सी जो जगह है वो बिहार के वेस्टर्न बाउंड्री को लगती है तो बिहार के वेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश है यूपी है नेपाल जो है वो नॉर्थ में है वेस्ट बंगाल ईस्ट में है और झारखंड जो है वो साउथ में है नेक्स्ट इनमें से कौन सी रिवर बिहार से नहीं बहती है तो जो गोमती नदी है वो यूपी में बहती है फलगु बागमती और पुनपुन जो है वो बिहार से कनेक्टेड है नेक्स्ट अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है अगर हम एरिया वाइज बात करें या हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे सबसे बड़ा जो है वो एशिया है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनमें से कौन सा मिनरल जो है कौन सा धातु जो है वो बिहार में मिलता है तो क्वाडजाइट पायराइट और माइका तीनों जो हैं वो बिहार में मिलते हैं पायराइट जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बिहार में बहुत पाया जाता है क्वाडजाइट जो है वो मुंगेर लखीसराय नालंदा और जमुई में और अगर हम मीका की बात करें माइका की बात करें तो नवादा में और उसके बाद जमुई में और गया में तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट यमुना रिवर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और गंगा जो है वो गंगोत्री से होती है और दोनों जो है वो उत्तराखंड से होती है उसके जो उत्तराखंड में जो चार धाम है उनमें उन एक दो धाम यही है यमुनोत्री और गंगोत्री उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ नेक्स्ट अर्थ डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है तो अर्थ डे जो है वो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को मनाया जाता है नेक्स्ट हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है तो हीराकुंड डैम जो है वो ओडिशा में है महानदी रिवर पे तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट हमें एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है तो एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 हमें 2011 के सेंसस से सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन है तो इस इनमें सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो पंजाब में है तो 82 का करेक्ट आंसर है ए

उनको जो है वो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं उस सेम प्रोसीजर से जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो रिमूव किया जाता है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव इनमें से कौन सा जो है प्लांटेशन क्रॉप जो है बिहार में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रो होती है तो आंसर है टोबैको टोबैको जो है इंडिया में आंध्रा में गुजरात कर्नाटका यूपी और बिहार में मेनली जो है वो ग्रो किया जाता है नेक्स्ट मुजफ्फरपुर की जो लीची है किस ब्रांड नेम से जो है फेमस है तो शाही लीची से तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसको जो है वो जीआई टैग भी मिला हुआ है अब हमें क्रॉप प्लांटेशन को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट के साथ जोड़ना है तो सबसे पहले जैसे जूट का नाम आता है तो वेस्ट बंगाल आ जाता है टी की बात करें तो आसाम केन में यूपी और रबड़ में केरला तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नेक्स्ट हमें बताना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है तो वो फिफ्टींथ ऑफ मार्च को तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इंडिया में गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक होता है तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है तो ये न्यूली फॉर्म की गई है दो में और इसको इसके जो हेड है वो अमित शाह है और इसका इसका पर्पस ही ये है कि जितनी भी कॉपरेटिव हैं उनके जितने भी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना नेक्स्ट इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने जो मेडल है वो जीते हैं तो इंडिया ने टोटल जो है वो सात मेडल जीते हैं जिसमें एक जो है वो गोल्ड है दो जो है वो सिल्वर हैं और चार जो है वो ब्रॉन्ज है नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो चैफ टेक्नोलॉजी जो है एडवांस उसको जो है डेवलप किया ये टेक्नोलॉजी जो है एयर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट उसको जो है एनिमी की रडार से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा और इसको जो है वो डी ने जो है वो डेवलप किया है तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट ऑपरेशन देवी शक्ति जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ लॉन्च किया था तो जब अफगानिस्तान के हालात खराब हुए थे वहां क्लैप्स हुआ था उस समय इंडियन सिटीजन को वहां से निकालने के लिए और फॉरन नेशनल्स को वहां से निकालने के लिए इंडिया ने जो है ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है और अभी हाल ही में यूक्रेन में जो हो रहा है उसमें जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन गंगा के नाम से किया जा रहा है जिसमें कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से वैकुएट किया जा रहा है नेक्स्ट हमें बताना है कि मॉरिशियस uh, की कैपिटल कौन सी है तो सी जो है करेक्ट आंसर है पोर्ट लुइस जो है वो मोरिशियस की कैपिटल है नेक्स्ट हमें जापान की करेंसी बतानी है तो येन जो है वो जापान की करेंसी है तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट नॉवल जो है नाइट वॉचमैन उसको किसने लिखा, तो लिखा है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट पंजाबी लैंग्वेज की लिपि कौन सी है स्क्रिप्ट कौन सी है तो गुरमुखी है सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट जब अफगानिस्तान अफगानिस्तान में सिचुएशन अराइज हुई उस समय कौन कौन वहां के प्रेसिडेंट थे जो वहां से भाग गए थे तो वो अशरफ घानी थे तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट साहित्य अवार्ड में हिंदी लैंग्वेज में किसको अवार्ड मिला तो आंसर है अनामिका ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट वन ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है 2021 का वो इनमें से किस चीज के साथ रिलेटेड था तो वो जो है वन हंड्रेड एंड सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर रिस्टोर करने के लिए जो है ये बिल लाया गया था ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सीट दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट उसको क्या कहा जाता है तो उसको जो है एम्ब्रॉय कहा जाता है तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनमें से एनर्जी देने वाले फूड कौन से हैं तो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट जो फंगई होता 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 है उसका क्या होता है तो है है तो है उसका उसका मोड मोड ऑफ ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या तो तो जो जो वो है. वो डी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो सोलिबल ऑर्गेनिक मैटर को भी ऑब्जॉर्व करता है और डेड सब्सटेंसेस को भी तो सेप्रोफेटिक है नेक्स्ट ग्लाइकोसिस जो है किस पार्ट में होता है सेल के तो आंसर है ए साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट लीव्स में जो पोर होते हैं जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं उनको क्या कहा जाता है स्टोमेटा डी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें कौन कौन आते हैं तो इनमें लाइव वॉट्स हॉर्न वॉड्स और मोसिस आते हैं तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोकोनट का जो जो डिस्पर्सल है फ्रूट का उसमें कौन कौन हेल्प करता है तो इसका जो मेसोकार्प होता है वो जो है जब ये पानी में फ्लोट करता है तो वो उसको उसमें हेल्प करता है तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट द नेचर ऑफ वस्कुलर बंडल इन स्टेम इज रेडियल तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट इज तो आंसर है ए प्रोटीज नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है तो उसमें एक्सचेंज होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है

जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब मल्टीपल फ्यूजन से तो बाइनरी फ्यूजन तो जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कोलिम फिल्ड विद वॉटर विद ब्लड सॉरी इसका करेक्ट आंसर है ए आर्थोपोडम कॉलम जो है वो स्पेस होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइन बाय मेजोडम ऑन बोथ साइड्स तो ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट द सेगमेंट्स ऑफ टेप वॉर्म जो है उनको क्या कहा जाता है तो आंसर है सी तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट फूड कैप्चरिंग ऑर्गेली इनमें से कौन सी है आंसर तो है सी फ्रूडोपोडियम जो कीबा की को हेल्प करता है फूड कैप्चर करने में नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो किसके थ्रू जो है वो सांस लेते हैं तो आंसर है सी स्पैरकल्स

सबसे ज्यादा केमिकली एक्टिव कौन सा है तो सबसे ज्यादा जो है वो फ्लोरीन है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है अमलगम जो है किसका अलॉय है मरकरी का बी जो है करेक्ट आंसर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बड़े ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको हम लगातार एग्जाम्स में अगर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट अल्कलॉइड्स जो हैं ये क्या है ये बेसिस हैं जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर हैं ये एसिड वाटर uh, में ज्यादा जो है एसिडिक मटेरियल में ज्यादा जो है सोलेबल है तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट लाइन वाटर जो है वो क्लोलिन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है तो ब्लीचिंग पाउडर तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट के टाइम पे जो है कितने एलिमेंट्स के बारे में पता था तो सिक्सटी थ्री तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कौन सा एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो आंसर है C जो है वो करेक्ट आंसर है गैल्वनाइजेशन क्या है गैल्वनाइजेशन है डेपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन और स्टील पे टू प्रिवेंट रस्टिंग टू तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है जो है, जो है, वो में की जाती है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह क्योंकि नॉन कम्बेटेबल है तो सी जो है, है. नेक्स्ट uh, जब भी विद इंक्रीज इन प्रेशर जब एटमोसफिर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तभी जो uh, जो हिली एरियाज होते हैं उनमें जो खाना है वो प्रेशर कुकर में ही बनता है नेक्स्ट और देर से बनता है वट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तो इसमें आंसर है लाइट ईयर ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है लाइट ईयर पे बेस्ड तो 132 का करेक्ट आंसर है ए नेक्स्ट द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बहुत हाई होता है नेक्स्ट जो चौक होता है ट्यूब ट्यूब लाइट में उसका पर्पस क्या होता है तो उसका पर्पस होता है टू इंड्यूस हाई वोल्टेज तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट रेन रेनड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों एक्वायर कर लेते हैं तो सर्फस टेंशन के चलते तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इफ अ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वॉटर द क्वान्टिटी दैट रिमेन्स अंड इज तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर जो है कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे नेक्स्ट विच इज बेस्ट यूज होता है सी जो है है वो करेक्ट आंसर नेक्स्ट द वर्किंग ऑफ क्वार क्रिस्टल इन वॉच इज बेस्ड ऑन पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट तो, जो पेरिस्कोप होता है वो किस पे वर्क करता है तो पेरिस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ सेवन स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें इवेंट्स को अरेंज किया गया है एंड पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वन बाय सिक्स तो वन फोर्टी वन का आंसर है ए फोर्टी वन का आंसर है ए नेक्स्ट लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी जो है इक्वल टू तो अगर हम लॉग रूल के अकॉर्डिंग चले तो लॉग ए बाई लॉग बी इंटू लॉग बी बाय लॉग सी इंटू लॉग सी बाय लॉग ए तो आंसर आएगा वन तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स वर्ड एप्पल बी अरेंज इसमें नंबर ऑफ अरेन्जमेंट क्या बनेंगे एफ फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल तो आंसर कितना आएगा सिक्सटी तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 इसमें हमें एक दी गई है और हमें पूछा गया है 1 x 1 y 1 z क्या होगा? पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो विल जीरो. तो इसमें आंसर है ए 144 का आंसर है ए

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज हंड्रेड मीटर आप देख सकते हैं कि हमें हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे तो फाइनली आंसर आएगा हंड्रेड रूट थ्री एम तो आंसर है ए तो कितना मीटर है हंड्रेड रूट थ्री

इसमें हमें सर्कल का रेडियस दिया गया है थर्टीन सेंटीमीटर और एक कॉर्ड की लेंथ दी गई है ट्वेंटी फोर तो हमें डिस्टेंस बताना है कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर तो इसमें अगर हम देखें तो हमें सर्कल में जो है वो एक कॉर्ड दी गई है ए बी ट्वेंटी फोर और हमें रेडियस दिया गया है थर्टीन का तो इसको हम ओ ले लेते हैं तो ये है पी तो ये है ट्वेल्व तो हमें ये नाइन्टी डिग्री हुआ तो हमें इसमें जो है वो ओपी को जो है वो फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओपी इज इक्वल टू थर्टीन स्केयर माइनस ट्वेल्व स्केयर तो आंसर जो है वो आएगा फाइव तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट हमें एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कि एक बुक को पब्लिश करने में कितना खर्चा होता है उसको बताया गया है तो बताया इसमें प्रिंटिंग जो है वो थर्टी फाइव परसेंट मैटर करती है तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज तो हमें रॉयल्टी बताना है जो कि पंद्रह परसेंट है तो इसमें सीधी सी बात है कि हमें थर्टी फाइव परसेंट की वैल्यू दे दी गई है 17, 500, तो उसका फिफ्टीन परसेंट जो है वो निकाल लेंगे 15 कितना होगा सेवनटीन बाई फाइव हंड्रेड इंटू थर्टी फाइव फिफ्टीन तो हमारा आंसर आएगा 15. तो हमारा जो आंसर आएगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी इसमें बताया गया है कि राकेश जो है एक जगह से वॉक करना स्टार्ट करता है स्ट्रेट जाता है ईस्ट उसके बाद 75 मीटर से वो लेफ्ट टर्न ले लेता है और फिर 25 मीटर स्ट्रेट, स्ट्रेट जाता है फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर स्ट्रेट जाता है फिर लेफ्ट टर्न लेता है तो 25 मीटर स्ट्रेट जाता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है आप देख सकते हैं इस तरह से उसकी जो मूवमेंट है इसी सर्कल में मूवमेंट है तो फाइनली थर्टी फाइव जो है वो डिस्टेंस है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो है डी थर्टी फाइव मीटर्स एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम लोग जो है सिक्सटी सेवंथ बीपीएससी प्रीलिम्स जिसकी टेंटेटिव डेट जो है वो थर्टी अप्रैल है उसके लिए हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं इसमें टोटल इलेवन टेस्ट है और एक टेस्ट फ्री है आप हमारी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो फ्री टेस्ट है उसको देख के क्वालिटी का क्वालिटी को जज कर सकते हैं इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होती है अगर आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पे भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अगर आपको डिस्कशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग